और आइए अब आगे बढ़ते हुए विस्तार से खबरें देखते हैं। और सबसे पहले आज की सबसे बड़ी पॉलिटिकल खबर आपको बता दें, देखिए सीट शेयरिंग को लेकर दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही है। सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस गठबंधन समिति आज से सहयोगी दलों के साथ चर्चा शुरू कर रहा है। सीट शेयरिंग पर बातचीत की शुरुआत बिहार से हो रही है। कांग्रेस के गठबंधन समिति के अध्यक्ष मुकुल वासनिक के घर पर यह बैठक चल रही है, जिसमें कांग्रेस गठबंधन समिति के सदस्य अशोक गहलोत, सलमान खुर्शीद, बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह, प्रभारी अजय कपूर भी यहां पर शामिल है। आरजेडी की तरफ से मनोज झा इस बैठक में पहुंचे हुए हैं। तो सीट शेयरिंग को लेकर यह महत्वपूर्ण बैठक, इंडिया गठबंधन की यह बैठक बिहार से शुरुआत हो रही है। बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूला तय किया जाएगा। इसमें कांग्रेस और आरजेडी की मीटिंग, कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक के घर पर यह बैठक इस वक्त जारी है। आरजेडी के नेता मनोज झा भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। इंडिया गठबंधन से जुड़ी हुई इस वक्त की यह बड़ी खबर है। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या हो सकता है, इसी को लेकर मंथन किया जा रहा है। और शुरुआत जिस राज्य से हो रही है वो है बिहार। और इस पर हमारे पास और क्या जानकारी है इस बैठक से जुड़ी हुई, सीधे हम रुक कर लेते हैं जहां बैठक हो रही है मुकुल वासनिक के आवास पर। वहीं से हमारे साथ हमारे सहयोगी दिव्यांकर तिवारी को आप देख रहे हैं। दिव्यांकर, क्या कुछ हो रहा है अभी बैठक से जुड़ा हुआ, कोई नया अपडेट आया क्या? जी, आपको बताना चाहूँगा, बैठक शुरू हुए तकरीबन आधे घंटे हो गए हैं और बड़ी बात यह है कि जिस तरह से 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का गठबंधन जेडीयू के साथ था और ऐसा माना जाता है कि जिसका गठबंधन जेडीयू के साथ रहता है उसे बिहार में फायदा होता है और 40 में से बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन ने 39 सीटों पर अपना कब्जा जमाया था, लेकिन इस बार तस्वीर दूसरी है। इस बार जेडीयू राजद के साथ है, कांग्रेस भी उसके साथ है। और जहां तक बात करी जाए तो एक तरह से कहा जा सकता है कि जेडीयू ने अपनी जो जितने सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही है वो तकरीबन 16 या 17 सीटें हैं। अब देखने वाली बात है कि जो बाकी बची हुई सीटें हैं, जो सूत्रों से जानकारी निकल कर आ रही है 23 सीटें हैं, तो 23 सीटों का बंटवारा किस हिसाब से राजद और कांग्रेस के बीच होता है, क्या जो फैसला है वो 16 और 5-6 सीटों पर होगा या कांग्रेस और भी ज़्यादा सीटों की मांग करेगी, ऐसी बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कांग्रेस की ओर से जो भी राष्ट्रीय गठबंधन समिति में जो सदस्य बनाए गए हैं वो काफ़ी ज़्यादा अनुभवी नेता है, वरिष्ठ नेताओं को इस समिति में लिया गया है और उनके आधार पर अब अलग अलग जो क्षेत्रीय दल हैं उनसे डील करने की कोशिश और जो कवायद है वो कांग्रेस की ओर से की जा रही है। अगर राष्ट्रीय गठबंधन समिति की बात करें तो इसमें अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, मुकुल वासनिक इन जैसे बड़े नेता हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि क्या इस जो बैठक है इसके बाद क्या कुछ तस्वीर साफ होती है और कितने सीटों पर जो कांग्रेस पार्टी है वो बिहार में अपना लोकसभा चुनाव लड़ेगी। जी सुरीन, दिव्यांकर रहिए आप हमारे साथ, इस पर नजर बनाकर रखिए, जो भी अपडेट होगा सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइएगा। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।